जी दोस्तों, द जापान हाउस से नई वीडियो के साथ शुजा हैदर आपके खिदमत में हाजिर है। N3 का जो है वो हम एक और लेक्चर दे रहे हैं आपको। मेरे ख्याल में दिसंबर की 4 तारीख को JLPT का एग्ज़ाम है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। N5 का तो काफ़ी मटेरियल आपके पास है, ठीक है। N4 की भी एक्सरसाइजेज जो है हमने डाली हुई हैं। N3 का इतना ज़्यादा मटेरियल अभी नहीं है, तो N3 की आज हम एक टॉपिक पे आपसे बात कर लेते हैं और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे रिस्पांस देना है कि लेक्चर कैसा रहा। मुझे फीडबैक भी दिया करें ताकि कोई चीज़ कम नहीं हो जाती हो, कोई चीज़ गड़बड़ है। बातों बात में ज़्यादा बोलने लगता हूँ, वो भी कंट्रोल करना मुझे मुश्किल होता है। तो अगर आप लोग रिस्पांस देते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी क्लास, मेरा लेक्चर कैसा जा रहा है। चलिए आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं होदो, ठीक है। ये होदो जो है हमने N5 में या N4 में भी किया है, लेकिन N3 में इसका लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। होदो का मतलब है कि हद तक, ठीक है। होदो के कई मतलब हैं। होदो का मतलब निस्बतन भी है, मुकाबलतन, और होदो का मतलब कि हद तक भी है, और होदो के अभी हम और इस्तेमाल सीखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो है होदो का पहला मतलब ये है कि तकरीबन, अबाउट, जिसे हम उर्दू में, जापानी में याकू भी कहते हैं, दाई ताई भी कहते हैं, तो खुराई भी कहते हैं, उसकी जगह हम होदो भी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे कोनो हॉन ओ योमु नोनी, कोनो हॉन ओ योमु नोनी नीजी काम, निजी काम। अब यहाँ पे आप बुराई भी लगा सकते हैं और होदो भी लगा सकते हैं। निजी काम होदो खकारी मत, ठीक है। ये किताब पढ़ने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। हम कहते हैं तकरीबन 2 घंटे, वो कहते हैं 2 घंटे तकरीबन, ठीक है। नोनी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नोनी का मतलब है के लिए, और नोनी का मतलब के बावजूद भी होता है। अगर यहाँ पे नोमदा होता तो फिर नोनी का मतलब होता के बावजूद, या नोमदे हिरू होता तो भी इसका मतलब होता के बावजूद। कोनो कौन को योम नोनी निजी का होदो खकारी मस, इस किताब को पढ़ने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। अच्छा, और कोई का किताब देखने इंदो करा कनाडा मादे जुयोन जी काम हो दो, दिस इंडिया से कनाडा तक जो है वो यहाँ पे हिकोकी में निकले, हिकोकी दिन प्यास में दिन, ऐसा ना आपको पैदल चल पड़े तो 14 घंटे तो लगने हैं, बस मैं आपको कह रहा पहुँच जाता हूँ पैदल चल, नहीं हिकोकी दिन इंदो करा कनाडा माते जुयोन जी काम हो दो, दिस यानी इंडिया से कनाडा तक का सफर जो है तकरीबन 14 घंटे का, ठीक है। ये तो एक तरीका, एक हो गया होदो का इस्तेमाल। आ जाते हैं होदो का दूसरा मीनिंग क्या है। हमने कहा था कि की हद तक, मिसाल के तौर पर वतशिमो, वतशिमो निहोंगो गा वखारी मस गा खीमी हो दो जोजु, खीमी हो दो जोजु जानाई, ठीक है। मैं भी जापानी समझता हूँ, मगर तुम्हारी हद तक जो है तुम्हारे जितना नहीं, तुम्हारे जितना एक्सपर्ट नहीं, जो तू जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वतशी मो निहोंगो गा वखारी मस, खीमी हो दो। अब यहाँ पे हो दो का मतलब हो गया की हद तक या तुम्हारे जितना, ठीक है। अच्छा चलिए, और इसको हम वर्ब में इस्तेमाल कैसे करते हैं कि मो आरुके नाई,
अरु खे नाई, अरुकू का मतलब है चलना, ठीक है। अरु खे नाई नहीं चल सकता, मो अरु खे नाई बस अब नहीं चल सकता, मो अरु खे नाई हो दो सुकारे मशता या सुकारे का, यानी इतना थक गया हूं कि बस अब चल भी नहीं सकता, ठीक है। मो अरु खे नाई हो दो सुकारे का, ठीक है। चलिए और थोड़ा बात, मो नामिदा गा देते को नाई हो दो, मो नामिदा गा देते को नाई हो दो ना की मशता, इतना रोया कि बस अब आंसू जो है वो नहीं निकल रहे, नामिदा का मो देते को नाई, बस अब आंसू जो है वो निकल नहीं रहे, इतना रो लिया हूं कि अब आंखों में आंसू खत्म हो गए, ठीक है। तो नामिदा मो नामिदा का देते को नाई, मो का मतलब क्या है बस अब, मो नामिदा का देते को नाई बस अब आंसू नहीं निकल रहे, इस हद तक रो लिया हूं, ठीक है। अच्छा इसका एक और तरीका है, हो दो पे भी जुमला खत्म कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मो सुखा लेते, सुखा लेते थक कर मो आरुके नाई हो दो दिस यदा, सुखा लेते मो आरुके नाई हो दो था, मैं इतना थक गया मतलब नहीं चल सकता, ठीक है। मतलब वही मो आरुके नाई हो दो सुखा लेता, सुखा लेते मो आरुके नाई हो दो था या अरुकनाई हो गई, यानी ना चलने के काबिल हो गया हूँ इस हद तक, ना चलने की काबिल यानी ना नहीं चल सकता इस हद तक हो गया हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम एक और पॉइंट होदो का इस्तेमाल बताते हैं, जितना ये हम पहले भी कर चुके हैं लेक्चर, यहाँ पे आगे टॉपिक तो हम क्लियर कर लेते हैं, जितना चलोगे उतना सेहतमंद रहोगे। तो इसमें हम क्या करते हैं वर्ब की रेबा फॉर्म लगाते हैं, आरुके बा आरुकु होदो, आरुके बा आरुकु होदो गेंकी नी नाजिमस, जितना चलो उतना सेहतमंद, जितना जापानी बोलोगे उतने माहिर होगे, निहोंगो गा हानासु बोलना, तो हानासु की रेबा फॉर्म क्या हो जाएगी, हानासे बा हानासु हो दो, हानासे बा हानासु हो दो जो जुनी नारु, जापानी जुबान जितनी बोलोगे उतने माहिर हो जाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया कि अब एक और इस्तेमाल है होदो का, वो क्या है कि निस्बतन मुकाबलतन योरी, योरी के नहीं आता, मिसाल के तौर पे मामूसी ही तो होदो ब्योकी नी नारी या स्वीद, यानी बीमार तो गरीब आदमी जो होता है बेचारा वो निस्बतन आसानी से बीमार पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए फुटोते इरू हिदू, चलिए फिर फुटोते इरू हितो हो, फुटोरू मोटा होना, जो मोटे होने वाला शख्स है वो भी
जल्दी बीमार पड़े जाते हैं पहले और एग्जाम में वो तो तेल ही तो हो दो बेवकी नहीं नारी मास या बेवकी नहीं नारी या सुई इस नारी या सुई आप लड़ चुके कोई काम करना उसकी वर्क की मस वाओ वैसे मस ड्रॉप करके या सुई लगा देंगे तो ये काम होना आसान है फुतोते ही तो हो दो बेवकी नहीं नारी या सुई जो मोटे आदमी होते हैं वो निस्बतन जल्दी बीमार पड़ना उनके लिए आसान होता है ठीक है। अच्छा अब एक और एग्जाम्पल है हो दो का मतलब है लिमिट फिगर ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम ठीक है। मिसाल के तौर पे हो दो के लिए आप करें उन दो वा हो दो शिता होगा एक्सरसाइज जो है वो बड़ी लिमिट से करना जो है वो बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें तो भी आपके मसल्स जो है टूट सकते हैं और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा आपकी सेहत खराब होगी। तो उन दो आप हो दो शिता होगा एक्सरसाइज जो है वो लिमिट से करें यानी ना ज़्यादा करें ना कम करें। और एग्जाम्पल है जापान के जो कि हमारे लिए सही नहीं है ओसाके वा होदो नी ये कोतोवादा है ना मुहावरा है कोतोवादा कहते हैं मुहावरा ओसाके वा होदो नी यानी शराब जो है वो लिमिट में पिए बहुत ज़्यादा मत पिए लेकिन मेरा मानना ये है कि शराब बिल्कुल मत पिए अच्छी चीज़ नहीं ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हो दो या हो दो वाला टॉपिक जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो मेहनत कीजिए N3 की तैयारी कीजिए। मैं चाहता हूँ आप सब लोग वीडियो देखकर N3 का एग्ज़ाम पास करें मेरे लिए दुआ करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और जी हसद मत करें किसी से बेल आइकन क्लिक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अरिगातो।